मॉनिट्री पॉलिसी रूल्स वर्सेस डिसक्रिप्शन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में कंट्रोवर्सी मौजूद है क्लासिकल्स में और कैंस में कि क्या मॉनिटरी पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए या नहीं करना चाहिए तो आज हम इस पर बात करेंगे ये एक डिबेट है कि क्या मोनीटरी पॉलिसी शुड भी फॉलोड बाई रूल्स आर बाई डिस्क्रिप्शन इस पर हम बात करते हैं द कंडक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी रूल्स वर्स डिस्क्रिशन मॉनिटिस्ट एंड क्लासिकल माइक्रो इकोनोमिस्ट एडवोकेट द यूज ऑफ रूल रूल्स मेक मॉनिट्री पॉलिसी ऑटोमेटिक एज दे रिक्वायर द सेंट्रल बैंक टू सेट पॉलिसी बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सिंपल प्री स्पेसीफाइड एंड पब्लिकली उंस्ड रूल्स एग्जाम्पल्स क्या है रूल्स की कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल रोल ये हो सकता है कि इंक्रीज द मॉनिट्री बेस्ड बाई वन परसेंट ईच क्वाटर एक ये सिंपल रोल हो सकता है द दूसरा रोल ये हो सकता है कि मेनटेन द प्राइस ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स्ड लेवल सो द रूल शुड भी सिंपल there should not be much leeway for exceptions. the rule should specify something under the control of the central bank, like the growth of the monetary base, not something like fixing the unemployment rate, for example, at 4% over which the central bank has little control. Ke rule simple hona और रूल इस चीज़ पर बेस करना चाहिए जो सेंट्रल बैंक के अख्तियार में है कि फॉर एग्जांपल मोटी बेस को वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है तो रूल इस पर बेस करना चाहिए रूल ये नहीं अगर होगा कि जी अन्प्लयमेंट को हमने मेनटेन करना है किसी पर्टिकुलर लेवल पर तो ज़ाहर है वो सेंट्रल बैंक के अख्तियार में नहीं है इसलिए रूल ये वाला इफ़ेक्टिव नहीं होगा द रूल मे आल्सो परमिट सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड टू द स्टेट ऑफ द इकानोमी रूल में इस बात की भी प्रोविजन रखी जा सकती है कि वो इकॉनमी की जो भी स्टेट है उसको रिस्पॉन्ड करे इसके मुताबिक लेकिन वो जो भी रूल है वो प्री स्पेसिफाइड हो ये नहीं कि जब यानी स्टेट जब होगी तो उस वक़्त डिसाइड किया जाएगा यह डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए यह ऑलरेडी डिटर्मन एक प्रिंसिपल होने चाहिए जिसके मुताबिक आ, रूल को वर्क करना चाहिए के आप जानते हैं वो रूल के बजाय डिस्क्रिप्शन को फेवर करते हैं मींस मीन्स सेंट्रल बैंक लुक्स एट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकॉनमी एंड यूजेज इट्स जजमेंट एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ पॉलिसी के वो इकॉनॉमी को एवेल्युएट करे जज करे कि इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है ठीक है और उसके मुताबिक फिर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करें डिस्क्रिशन गिव्स द सेंट्रल बैंक द फ्रीडम टू तो स्टिमुलेट और कॉन्ट्रैक्ट द इकॉनमी व्हेन नीडेड, इट इज़ दस कॉल्ड द एक्टिवेट पॉलिसी कि इस डिस्क्रिशन के नतीजे में फिर सेंट्रल बैंक के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है ये उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि वो डिसाइड करे मी को स्टिमुलेट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या पॉलिसी सूटेबल है सिंस डिस्क्रप्शन गिव्स द सेंट्रल बैंक लीवे रूल्स कंस्ट्रेन इट्स बिहेवियर वाई वुड एनी वन सजेस्ट डेट सेंट्रल बैंक फॉलोज द रूल्स कि जब अपेरेंटली हमें यह लगता है कि जी डिस्क्रप्शन के नतीजे में सेंट्रल बैंक के पास यह फ्लैक्सीबिलिटी आ जाती है कि वो इकॉनमी की सिचुएशन के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी को बनाए ताकि जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सके आमतौर तो पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जी प्राइसेस को स्टेबल रखना है ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है अनएम्प्लॉमेंट रेट को एक ख़ास लेवल से बढ़ने नहीं देना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है तो इकोनॉमी की जो सिचुएशन हो स्टेट बैंक के पास अगर ये डिस्क्रिशन मौजूद है कि वो इस सिचुएशन के मुताबिक पॉलिसी बनाए तो इसमें क्या हारत है क्यों फिर रूल की बात की जाती है रूल के हवाले से क्लासिकल और ख़ास तौर पर मोनिटिस जो हैं वो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इसको फेवर करते हैं और मोनिटिस्ट में जो लीडिंग इकानमिस्ट हैं आपने नाम सुना होगा मिल्टन फ्रीडमैन ठीक है उनका ये ख्याल है कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग रन के बारे में तो इट्स ओके okay, कोई डिसएग्रीमेंट uh, नहीं है कि लॉन्ग रन में ये सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स को अफेक्ट करती है रियल को नहीं करती लेकिन शॉर्ट रन में मोनिट्स बिलीव करते हैं कि ये रियल वेरिएबल्स को भी इफ़ेक्ट करती है इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ इसको यूज़ करना चाहिए ये इकानमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप इसको रॉन्गली और एडिक्टली अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो ये समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और इसलिए इसको रूल बेस्ड होना चाहिए सो so, रूल जैसे मैंने शुरू में बात की सिंपल रूल तो ये एक हो सकता है कि जी वन परसेंट उसको ईच क्वार्टर में इजाफा कर दिया जाए मेरा एक बहुत फेमस टेलर रूल है उस पर आज हम बात कर लेते हैं टेलर रूल ये है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इस इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट प्लस पॉइंट जीरो टू है पॉइंट प्लस पॉइंट फाइव वाई प्लस पॉइंट फाइव इन्फ्लेशन रेट माइनस पॉइंट जीरो टू तो आए इसमें नॉमिनल पॉलिसी रेट है पाए इन्फ्लेशन रेट है ओवर द लास्ट फोर क्वार्टर्स एंड स्मॉल वाई जो है इट इज़ द परसेंटेज डिविएशन ऑफ आउटपुट फ्राम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट और ये वाई आपके पास क्या है डिविएशन है जी डी पी की फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ओके सो द रूल वर्कस बाई है रियल पॉलिसी रेट दिस वॉज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इंफ्लेशन रेट तो इसका डिफरेंस जो होगा यह आपके पास क्या हो जाएगा रियल पॉलिसी रेट तो ये रिस्पॉन्ड करता है टू द वाई वाई को कैसे डिफाइन किया था डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड द फॉल इंप्लायमेंट लेवल ऑफ आउटपुट और ये रिस्पॉन्ड करता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट अगर टू परसेंट टारगेट आपके पास इन्फ्लेशन रेट है तो अगर इन्फ्लेशन रेट उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा सो इफ़ आदर आइदर वाए आर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, ओके इकॉनमी में अगर आपके पास वाई यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उससे ज़्यादा है या इन्फ्लेशन uh, आपकी जो टारगेट लेवल है उससे ज़्यादा है रियल पॉलिसी रेट इज़ इंक्रीज काजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू टाइटन उसके नतीजे में जो पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा रियल पॉलिसी रेट और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो जाएगी एंड वाइस वर्सा